ये बात तो हम सभी जानते हैं, अगर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से नहीं पढ़ते, कि हिंदी हमारी मातृभाषा नहीं है। हिंदी अगर कोई उत्तर प्रदेश में रह रहा है उसकी तो मातृभाषा है, मध्य प्रदेश में रह रहा है उसकी मातृभाषा हो सकती है, लेकिन अगर कोई तमिलनाडु में रह रहा है, कर्नाटक में रह रहा है, महाराष्ट्र में रह रहा है, बंगाल में रह रहा है, उनकी अपनी अलग मातृभाषा है। और मातृभाषा वो होती है जिसको हम बचपन से बोलते हैं और वो हर किसी की अलग होती है। कोई भी भाषा क्षेत्रीय होती है और हमारे देश में पूरे कंट्री के लेवल पर कोई भी मातृभाषा नहीं है। लेकिन ना जाने अजय देवगन को कौन सी बात किच्चा सुदीप की बुरी लगी, उन्होंने कहा कि मेरे प्यारे किच्चा सुदीप, तुमने जो कहा कि हिंदी हमारी मातृभाषा नहीं है, मैं बताना चाहता हूँ हिंदी हमारी मातृभाषा है। और अगर आपको लगता है हिंदी मातृभाषा नहीं है तो अपनी फिल्मों को हिंदी में डब करना छोड़ दो। जाहिर सी बात है किच्चा सुदीप ने कहा था कि हिंदी मातृभाषा नहीं रही, हिंदी की फिल्में स्ट्रगल कर रही हैं और हमारी फिल्में हिंदी में डब होकर अच्छा बिजनेस कर रही हैं। इस तरह से उनका कुछ कहना था कि हिंदी मातृभाषा नहीं है। जाहिर सी बात है वो साउथ के एक्टर हैं और उनके लिए तो हिंदी मातृभाषा है ही नहीं। जिसके बाद किच्चा सुदीप ने कहा, अपने उसनी के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए कहा कि मुझे बहुत अच्छा लगता कि अगर आपका ट्वीट इस तरह से किसी फिल्म के बारे में आता, आपका मैसेज आता किसी फिल्म के बारे में, और आपने मेरी बातों को गलत तरीके से मतलब निकाला, मेरा किसी को भी हर्ट करने का मतलब नहीं था। इसके बाद तमाम साउथ इंडियन, तमाम नॉन हिंदी स्पीकिंग पीपल किच्चा सुदीप के समर्थन में आए। वहीं हिंदी बैल्ट से भी बहुत से लोग किच्चा सुदीप के समर्थन में हुए और कहा कि किच्चा सुदीप आप अपनी जगह सही हो, आपको झुकने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बात तो हम सभी जानते हैं पूरे देश की हिंदी मातृभाषा नहीं है और हर किसी की अलग मातृभाषा है, आपके कहने का भी यही मतलब था। तो चलिए दोस्तों, मैं राहुल चौधरी, फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। आगे भी इसी तरह की देश दुनिया बॉलीवुड और खेल की तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए मेरे साथ। जय माता दी।